हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज के दिन मैं आपको अंग्रेजी के पांच जोड़ी ऐसे वर्ड्स बताऊंगा ना कि जिनको लेकर दुनिया के 50% लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और ये कोई हाई प्रोफाइल वर्ड्स नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं, और ये बेहद कॉमन है, मतलब डेली लाइफ में बोले जाते हैं। फिर भी अच्छे से अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले भी इसमें गड़बड़ कर देते हैं। आज आप खुद कहोगे अच्छा हुआ बता दिया, ये तो वाकई में कंफ्यूज कर देते हमें। और भाई साहब जहर जानकारी आज की, इसलिए वीडियो कमाल की है, पूरी देखना। अब ऐसी कमाल की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बारे में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चले गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज मैं आपको सिखाता हूं पांच जोड़ी इंग्लिश के कंफ्यूज करने वाले शब्द। आप पहला वाला जोड़ा उठाते चलो जल्दी से, और वो है डिफरेंस और डिफरेंट। ध्यान से देखो, देखने सुनने और बोलने में ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक में सी है और एक में टी है। बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। वो क्या करते हैं, डिफरेंस की जगह डिफरेंट लिख देते हैं या बोल देते हैं, और डिफरेंस की जगह डिफरेंट की जगह डिफरेंट बोल देते हैं। और कुछ तो क्या करते हैं कि जो मौके पे याद आ जाए वही वाला बोल देते हैं, डिफरेंस हो या डिफरेंट हो। लेकिन भैया थम जाओ, दोनों अलग अलग हैं, इनका यूज भी अलग अलग है। आज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी तरफ अपने जो है आंखें गड़ा के देखो और सुनो, ध्यान से बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस की, इसका क्या मतलब होता है। तो यह एक नाउन है। अब तुम्हें यह बताओ कि नाउन किसे कहते हैं, क्या यार छोड़ो, नाउन फॉर्म के चक्कर मत पड़ो, इसकी हिंदी सुनो डायरेक्ट। डिफरेंस की हिंदी होती है असमानता या फर्क। अब असमानता ये हम कच्ची भाषा में नॉर्मल बात नहीं करते, इसकी इसके बारे में नहीं बोलते हैं, हम ज्यादातर बोलते हैं फर्क, ये बोलते हैं। अब चलो आओ इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है मैं राहुल और मुकेश के बीच असमानता देख सकता हूं या फर्क देख सकता हूं। मैं राहुल और मुकेश के बीच फर्क देख सकता हूं, असमानता देख सकता हूं, बात एक ही है। अब यहां पे देखो, असमानता या फर्क कोई भी आए वहां पर डिफरेंस लिखना है। सो इंग्लिश होगी आई कैन सी द डिफरेंस between Rahul and Mukesh. I can see the difference between Rahul and Mukesh. तो यहां पे फर्क और असमानता जब झलकानी हो तो वहां पे difference का use होगा। चलो भाई एक पे example ले लिया, आओ दूसरे वाला समझते हैं और उस पे example लेते हैं, फिर compare करेंगे। और दूसरा है डिफरेंट, टी वाला। अब डिफरेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तुम्हें नहीं पता एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पता नहीं तुम क्या इंग्लिश, तुम्हें मैंने 60 दिनों का स्पीकिंग कोर्स कराया था उसमें एडजेक्टिव बताया था, वो बेसिक वाली सीरीज देखना दोबारा। ये एक एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बताने के लिए होता है। मुद्दे पे आते हैं, इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी होती है असमान या अलग। अब वो डिफरेंस क्या था, असमानता, और ये क्या है, खाली असमान या अलग। चलो देखते हैं, जैसे तुम दूसरों से अलग हो, अरे तुम कैसे हो यार, तुम दूसरों से अलग ही हो, अलग ही इंसान है यार तू, तो इंग्लिश होगी यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से फ्रॉम अदर्स। तो यहां पे दोनों एग्जांपल ले लिए, एक में डिफरेंस है एक में डिफरेंट है। तो समझ गए, जहां पर आए फर्क वहां पर डिफरेंस का इस्तेमाल होगा। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एज अ नाउन प्रयोग होता है वर्ब के बाद। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, अब आया इसके बाद डिफरेंस। और ये क्या है, डिफरेंट क्या है, तुम अलग हो मैं अलग हूं, मोबाइल अलग है वह अलग है, हम असमान है, असमान अलग एक ही बात होती है, तो वहां पर डिफरेंट यूज होगा। तो अब मैं बोल के बता देता हूं, जैसे अरे मेरा मोबाइल दूसरों से एकदम अलग है, भाई साहब एकदम अलग है, तो यहां पर अलग है डिफरेंट। तुम्हारा और मेरे मोबाइल में फर्क है, ऐसे मत कहो, तुम्हारा सस्ता वाला है मेरा महंगा वाला 4000 का है, तुम्हारा 3999 का है, तो फर्क है, तो डिफरेंस। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला जोड़ा है एडवाइस और एडवाइज। आप देखो दोनों में क्या है, सी और एस का फर्क है, एक में है एडवाइस और एक है करंट वाला एडवाइज, ये वाला है सही है। अब चलो आओ इनमें फर्क जानते हैं। सबसे पहले सी वाले को उठाते हैं, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं अक्सर, और लोग इसका यूज नहीं जानते तो कोई सा वाला भी कहीं भी लगा देते हैं, इवन स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। जहां एस वाला लगाना होता है वहां सी वाला लगा देते हैं, और जहां सी वाला लगाना होता है वहां एस वाला लगा देते हैं। मुद्दे की बात करते हैं, वो है एडवाइस
सी वाला। इसकी हिंदी होती है सलाह, और ये एडवाइस क्या है, ये एक नाउन है, इसे एज ए नाउन प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि सलाह ये तो एडवाइस भी होता है, नहीं नहीं उसके बारे में थोड़ी देर बात करूंगा तब समझोगे, इसका मतलब इतना ही होता है खाली सलाह। अब ये एक चीज की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये एक नाउन है। जैसे ये सलाह अच्छी है, भाई साहब ये बहुत अच्छी सलाह है, ये बहुत अच्छी सलाह है, किसी की सलाह थी और हमने कही बहुत अच्छी सलाह है। अब देखिए उसको मतलब ऐसा लग रहा है जैसा हम उसे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी सलाह है, अरे ये बहुत अच्छी सलाह है, तो मतलब वो एज अ नाउन हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एज अ पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एज अ चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर एस वाला यूज नहीं होगा क्योंकि एज अ चीज दिखा रहे हैं हम उसे। तो यहां पर इंग्लिश होगी दिस इज अ गुड एडवाइस, दिस इज अ गुड एडवाइस वाला, ठीक है। आओ अब दूसरे वाले पे देखते हैं, और दूसरा वाला है एडवाइज। अब ये क्या है, ये एक वर्ब है, और वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, कोई काम करना, क्रिया कर्म मत कर देना। अब वर्ब इसमें एडवाइज की हिंदी सुनो, इसकी हिंदी है सलाह देना। अब फर्क देखो, एडवाइस का मतलब है खाली सलाह जैसे कोई चीज होती है, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, यानी कोई काम करना, सलाह देने का। तो यहां पे इसलिए उसे क्रिया कहा गया है, इसलिए उसे वर्ब कहा गया है, कार्य कहा गया है। चलाओ इस पर एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। अब देखिए सलाह नहीं, सलाह दूंगा, काम की बात हो रही है यहां पे, कोई चीज देने की बात हो रही है, तो सलाह के साथ देने के लिए अलग से गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं लगाते, हालांकि देने के लिए गिफ्ट का यूज होता है, लेकिन सलाह के लिए अगर देना आए तो एडवाइस वाला एडवाइस लगता है, ठीक है। सो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, आई विल एडवाइस यू, इस तरीके से यूज हुआ। तो जहां पर भी देना आए साथ में, जो है ना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, वो मुझे सलाह दे रहा है, उसने मुझे सलाह दी, मैं तुम्हें सलाह दे रहा था, वह तुम्हें सलाह देगी, तो यहां पे तो एस वाला यूज होगा एडवाइस। और खाली सलाह आए, ये एक अच्छी सलाह है, वो बुरी सलाह थी, मैं इस सलाह से जो है अच्छा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ये सलाह सुन के, अपनी सलाह अपने पास रखो, तो यहां देना शब्द नहीं आ रहा, तो वहां पर एडवाइस यूज होगा। ये तो अच्छे से आई एम श्योर समझ में आया होगा, और इन दोनों का अच्छे से यूज करना। आओ अब नेक्स्ट वाले पे खोपड़ी मारे, आई मीन नजर डाले, और भाई साहब नेक्स्ट वाला जोड़ा है बिलीव और बिलीफ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने बिलीफ पहली बार सुना होगा, उन्होंने बिलीव ही सुना होगा, लेकिन ये दोनों भी आपस में भैया भैया चचा ताऊ के। आज आपको पता चलेगा कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बिलीव की बात करते हैं, इसका यूज आपने अपनी डेली लाइफ में किया ही होगा, आप का मतलब जानते होंगे, लेकिन फिर भी सरताज सर के स्टाइल में जरा सुनो। बिलीव क्या है, बिलीव एक वर्ब है, इसका यूज एज अ वर्ब किया जाता है, और बिलीव का मतलब होता है हिंदी में भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास करना किसी पे। आप भरोसा करना, ये कॉमनली हम अपनी भाषा में, कच्ची भाषा में बोलते हैं, तो आप भरोसा करना। तो देखिए इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है करना, अब करने के लिए अलग से कुछ नहीं लगेगा, अगर भरोसे के साथ करना आए तो बिलीव स्पेलिंग ये रही, ये लगेगा। आप कहीं पे भी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तो इंग्लिश होगी आई बिलीव इन यू, आई बिलीव मैं भरोसा करता हूं, बिलीव माने भरोसा करना, दोनों आ गया। इन यू मतलब तुम पर, इंग्लिश में भरोसे के साथ जब किसी पर करते तो इन लगाते हैं उसके, इन रानी मुखर्जी, इन सनी, इन अक्षय कुमार, इन सलमान खान, ऐसे लगाते हैं। सो आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तो यहां पे बिलीव क्यों आया, क्योंकि भरोसे के साथ करना शब्द था, एक ये वर्ब की तरह काम की तरह काम कर रहा है, यानी मैं ये काम करता हूं भरोसा करने का तुम पे। अब दूसरा वाला सुनो, और वो है बिलीफ। अब ये जो बिलीफ है भैया, इस बिलीफ की हिंदी सुनो, और इस बिलीफ को पहले तो क्या ये है, क्या ये सुनो, ये है नाउन, और नाउन मतलब जिसको हम एज अ चीज की तरह यूज कर सकें, किसी सामान की तरह उसका मतलब जो है देखा जाए, उसका कोई काम की तरह इस्तेमाल ना हो, उसे नाउन कहते हैं। तो बिलीफ एक नाउन है, और बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, बस इतना ही, भरोसा करना नहीं, ना भरोसा करना, ना भरोसा दिलाना, ना भरोसा फेंकना, ना भरोसा भरना, ना भरोसा देखना, ना भरोसा हंसना, सिर्फ भरोसा, खाली इतना, एक चीज की तरह ले ले, मैं भरोसा पड़ा पड़ा मेरी जेब में, ले भरोसा ले ले, ओए भरोसा, ऐसा लग रहा समोसा, तो भरोसा। तो यहां पे देखिए, मेरा भरोसा मत तोड़ो, समझ गए, ओए मेरा भरोसा मत तोड़ियो कभी। तो यहां पे देखिए कि भरोसा है, जैसे एक चीज है उसे तोड़ने की बात हो रही है, अब तोड़ने वाली तो चीज ही होगी ना, किस चीज को, टांग तोड़ना, मुंह तोड़ना, खोपड़ी तोड़ना, फूल
तोड़ना तो भरोसा भी तोड़ना, तो जो चीज होगी उसी को तो तोड़ेंगे, ये थोड़ी किसी काम को तोड़ देंगे। दौड़ने को मत तोड़ना, देखने को मत तोड़ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो मेरा भरोसा मत तोड़ना एज अ नाउन यूज हो रहा है। नाउन मतलब चीज की तरह, इंसान की तरह, जानवर की तरह, जगह की तरह यूज हो रहा है, मतलब कोई वस्तु की तरह। तो डोंट ब्रेक माई बिलीफ, डोंट ब्रेक माई बिलीफ। अब आप क्या करते थे, डोंट ब्रेक माई बिलीव, वो कहता है बिलीव बाद में करूंगा, पहले इंग्लिश सुधार ले। तो अब सुनने में एग्जाम्पल सुन लो, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ, बिलीव लगेगा, वे मेरा भरोसा करती है, बिलीव लगेगा, मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ, लेकिन अगर खाली भरोसा है, वह मेरा भरोसा तोड़ देगी, मुझे मेरे पास तुम्हारा भरोसा है, उसने मुझे भरोसा दिया तो ठीक है, इसके लिए बिलीव लगेगा। भाई साहब बहुत ज्यादा हार्ड है ये। आओ अब नेक्स्ट वाले पे नजर मारे, और भाई साहब नेक्स्ट वाला जोड़ा है कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट। अब इसमें भी वही सा और टा का फर्क है। देखो ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग, कॉन्फिडेंस की जगह कॉन्फिडेंट बोल देते हैं, कॉन्फिडेंट की जगह कॉन्फिडेंस बोल देते हैं, अब यही गड़बड़ हो जाती है, गांठ लग जाएगी हाथों में। ठीक है, तो आओ मैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस, गैस लीक हो जाती है बार बार, कॉन्फिडेंस सी वाले की। अब ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी हिंदी होती है आत्मविश्वास, भरोसा। आत्मविश्वास यानी जो भरोसा होता है, आत्मविश्वास होता है, ये होता है, ये एक नाउन है। अब नाउन क्या होता है, नाउन किसी के पास कोई चीज हो सकती है, कोई इसे ले सकता है, उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास भरोसा है, मेरे पास खुद पे जो है वो है, मेरे पास क्या नाम है, अपने पर यकीन है, तो ये चीज क्या है, पास है। तो कोई चीज पास होती है तो वो क्रिया नहीं होती, वो चीज हो, देखो वर्ड पे गौर करो, चीज होती है, और चीज को ही तो नाउन बोलते हैं, चीज को पनीर भी बोलते हैं क्या, अरे मतलब किसी, मतलब चीज को किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, वही है, तो वही हो गई। तो मेरे पास आत्मविश्वास है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव कॉन्फिडेंस। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, खुद पे विश्वास है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन रहेगा वो वाला ही कॉन्फिडेंस, उसके पास विश्वास ही नहीं है, उसके पास आत्मविश्वास है ही नहीं, पता नहीं क्या कैसा बंदा है, वो भरोसा ही नहीं है, तो ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। तो किसी के पास होना ना होना, लेना देना, मतलब है सामान की तरह आदान प्रदान हो, तो वहां पे सी की तरह सी वाला इस्तेमाल होगा। लेकिन भैया ये जो टी है, अब इसका देखो क्या मतलब होता है, ये है कॉन्फिडेंट ट वाला, और ये एक एडजेक्टिव है। अरे एडजेक्टिव वही मतलब किसी की विशेषता जो बताते हैं, किसी का मतलब अंदर कोई चीज हो उसकी विशेषता हो, और इसकी हिंदी होती है भरोसा या विश्वास, भरोसा या विश्वास। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मुझे कहना है मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। अब पहले वाले सेंटेंस में था मेरे पास आत्मविश्वास या विश्वास ही कह लो, है भरोसा है मेरे पास, तो वो चीज तो पास थी, एक सामान की तरह यूज करते हैं एज अ नाउन, लेकिन ये पास नहीं है, मेरे अंदर ही है, मुझ में, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, तो यहां पे ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम कॉन्फिडेंट ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव कॉन्फिडेंस, यानी पास है, अंदर नहीं है, पास है, अब कहीं भी हो, जेब में, दिल में, कहीं भी, मेरे पास है एज सामान की तरह, तो सा वाला, और मैं खुद हूं ऐसा, तो टा वाला। अब जैसे हम कहेंगे अरे वो जो है ना विश्वास नहीं ला पा रहा है अपने अंदर, तो ला पा रहा है ऐसा लग रहा है, कहीं से लाएगा, तो वहां पर सी वाला होगा, और हमको उसके अंदर विश्वास ही नहीं है यार, भरोसा नहीं है उसके अंदर, तो यहां पे ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। यहां पे लाने वाने के लिए अलग से कोई वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उसी के अंदर घुसेड़ देंगे, ही इज, शी इज, आई एम, यू आर, और यहां पे आई एम ब्रिंगिंग, यू आर कैरिंग, आई एम सीइंग कॉन्फिडेंस इन यू, आई कैन नॉट सी कॉन्फिडेंस इन यू बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग माई वीडियो। समझ में आया, अभी कितनी देर में समझ में आएगा यार, कितने सारे एग्जांपल दे दिए। चलो तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला जोड़ा है साइको और साइके। अबे कितने खतरनाक वर्ड आ गए साइंस फाइंस से निकल के, ये साइको और साइके हैं। अब इनमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, साइको और साइके का यूज कैसे करें, आओ इसको भी बता देता हूं। मैंने तो तुम्हारे मतलब जो है ठेका ले रखा है तुम्हें पढ़ाने का, इसलिए ठेके को मैं निभाऊंगा, लेकिन ठेके को अब निभाऊंगा जब तुम मेरा एक वादा निभाओगे। प्लीज वीडियो को लाइक करना, आप फीस नहीं देते, आप फीस
बजाय लाइक देकर जाओगे मुझे लगेगा कि आपने मेरा बैंक अकाउंट भर दिया फीस दे दे के लाइक की वजह से। ठीक है, अबे दे दो भाई, प्लीज लाइक दे दो। आओ चलो मुद्दे पे आते हैं। साइको और साइके का मतलब क्या होता है? पहले साइको की बात करते हैं। साइको क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, और इसकी हिंदी होती है मानसिक। हालांकि आपने साइको कई फिल्मों में सुना होगा, कई नाटकों में, या अपनी असल जिंदगी में भी सुना होगा कि मानसिक रूप से बीमार यानी किसी पागल व्यक्ति को भी साइको कहा जाता है। साइको है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, मानसिक रूप से आप चाहे अच्छा हो वो साइको कहलाता है, यानी कि उसका मानसिक संतुलन। लेकिन एक फ्रेज बन गया इंग्लिश में, तो हम इसे ऐसे ही यूज कर लेते हैं। जैसे मुझे कहना है वो पागल है, वह पागल है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही साइको, ही इज साइको। यानी हमने एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया, किसी को भी बता सकते हैं वो ऐसा है, वो बुरा है, वो साइको है, तो साइको गया। दूसरा वाला है साइके, और साइके जो होता है इसकी हिंदी होती है मानसिकता, यानी सोच, जो इंसान की समझ होती है, सोच होती है, मानसिकता होती है। कहते नहीं उसकी मानसिकता अजीब है, उसकी तो मानसिकता ही गंदी है, उसकी मानसिकता सही, उसकी सोच ही बेकार है, उसकी सोच ऊंची है, तो वो साइके कहलाता है। और ये क्या है? ये क्या है भैया? ये नाउन है। हाँ चलो आओ अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे उसकी सोच अलग है, उसकी सोच दूसरों से, मतलब उसकी सोच बहुत ज्यादा असमान है, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज साइके इज डिफरेंट। हिज साइके इज डिफरेंट, उसकी जो सोच है, हिज जो साइके है इज डिफरेंट, वो अलग है, ऐसे यूज होगा। दोनों का मतलब तो समझ गए होंगे, लेकिन लास्ट में एक चीज दिखा देता हूं आपको। लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने डिफरेंट यूज किया, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। यहां डिफरेंस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि असमानता की बात नहीं हो रही है, असमान की बात हो रही है, अलग की बात हो रही है। अगर मैं कहूं उसकी और मेरी सोच में फर्क है, असमानता है, तब डिफरेंस आता, लेकिन असमान है, फर्क अलग है, तो डिफरेंट आया। तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओह रिलैक्स, डिलीट इट। ओके आप भाई साहब, आपने देख लिया आज की क्लास में मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड समझाया, आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब बाप की बारी है कि आपको समझ में आया नहीं है ये दिखाने की। मैडम लगाओ इनके लिए होमवर्क, क्या लगाना है? कुछ एक काम करो, वही लिख दो दोबारा सारे। ये देखो अब आपको क्या करना है, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से सेंटेंसेस बनाने हैं। लेकिन सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? रूल ये है कि आपको आपने टीचर्स की तारीफ करते हुए बनाने हैं सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन वो आपके टीचर की तारीफ में होना चाहिए। वो जो भी आपके टीचर हैं, सर हैं, मैडम हैं, आपके क्लास टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, मैं हूँ चाहे मैं नहीं हूँ शायद, तो ठीक है, उनकी तारीफ में आपको बनाने हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए, ताकि आप अच्छे शब्दों को बनाना सीखे। ऐवे कोई ऐसा नहीं बना ले, आपको टारगेट दिया है कि टीचर की तारीफ में बनाने, तो इनका यूज टीचर की इन्हीं का ही करना है, बस बाकियों का नहीं करना है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रोज रोज नई नई कमाल कमाल की जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि यह है इंग्लिश की जहरीली क्लास, देसी भाषा में सिखाने वाली। अब इसी बात पे जाते जाते इस वीडियो को एक पुच्चा टुच्चा मुच्चा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।